साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सिफारिश कलदम करार दे दी। अदालत ने करार दिया। फैसले में ताखीर की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 बरस से जायद हो चुकी, बहाल नहीं किया जा सकता, उन्हें रिटायर्ड जज तसव्वुर किया जाए। शौकत सिद्दीकी रिटायर्ड जज की तमाम मराद और पेंशन के अहल है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 23 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। डोनाल्ड लू का तो मैं कभी फैन नहीं रहा, लेकिन वैसे इसने कल कांग्रेशनल हियरिंग में मंजी से ही ठोक दी है इस हुकूमत की, क्योंकि 18 महीने तक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एक्स वजीर आजम पाकिस्तान जो 47 के जरिए फॉर्म 47 के वजीर आजम है, लेकिन पीडीएम 1 में ये 18 महीने तक ये कहते रहे ना कि कोई साइफर नहीं है। तो अगर साइफर नहीं है तो अब केस इमरान खान पे किस चीज का चल रहा है? आपने फिर किस बुनियाद पे डिमार्च किया अमरीका के सफीर को बुला के अगर साइफर मौजूद नहीं था? बानी पीटीआई 25 रमजान से पहले जेल से बाहर होंगे, अली मोहम्मद खान का बड़ा दावा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी कांग्रेस की समाअत में डोनाल्ड लू ने हुकूमत की मंजी ठोक दी। शहबाज शरीफ साहब 18 महीने कहते रहे कोई साइफर नहीं, अगर साइफर नहीं तो बानी पीटीआई पर किस चीज का केस है? अगर साइफर नहीं था तो फिर अमरीकी सफीर को बुलाकर डीमार्च क्यों कराया गया? अदलिया बहुत जल्द साइफर केस पर इंसाफ करेगी, अदलिया से इंसाफ की उम्मीद। वज़ीर-ए-आला केपी अली अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद पेश। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए, अगर साइफर था नहीं तो फिर बानी पीटीआई को गलत सजा हुई। साइफर से मुतालिक बयानी पर कायम है, वफाकी हुकूमत ने हमारे पैसे देने हैं जो हमारा हक है। गवर्नर और स्पीकर में इख्तियारात की जंग। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। गवर्नर ने मकसूद नशस्तों पर हल के लिए इजलास आज तलब किया। असेंबली सेक्रेटरी का इजलास न बुलाने का ऐलान। वजीर कानून आफताब आलम ने गवर्नर के इकदाम को गैर आइनी करार दे दिया। कहा, आइन वाज तौर पर सदर और गवर्नर के इख्तियारात का तयन करता है। 16 अपोजिशन अराकीन के कहने पर भी इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ऐसे इकदाम जमहूरी असूलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वज़ीर-ए-आला केपी बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वज़ीर-ए-आज़म की मिन्नतें करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, केपी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। स्पीकर केपी असेंबली टाइगर्स फोर्स का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। साइफर एक फिल्म है जिसकी आखिरी किस्त खत्म हो गई। सनम जावेद सनत का इलेक्शन लड़ेंगी। लाहौर हाईकोर्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल ने इजाजत दे दी। सनम जावेद ने सनत इलेक्शन में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानेब लाहौर की सूबाई नशिस्त पीपी 158 से मुनसलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। महंगाई से परेशान शहरियों को बिजली के जोरदार झटके लगाने का फैसला। हुकूमत की सारफीन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। दरख्वास्तें नेफ्रो को मौसूल। गैपको ने 376 अरब, मैपको ने 160 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की दरख्वास्त कर दी। टेस्को 92 अरब, पेस्को 67 और सेफको 36 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की ख्वाहिशमंद। नेपरा बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरखास्तों पर 2 अप्रैल को समाप्त करेगा। IMF का फिर डू मोर का राग। पेट्रोल, गैस, सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, गाड़ियां, सीमेंट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पर 18% से टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल पर लीवी बढ़ाकर 60 रुपए करने का भी कह दिया। आलमी मालियाती अदारे का हुकूमत को पुरतश अशिया पर टैक्स की शरह बढ़ाने का भी मशवरा। टैक्सों का नए सिरे से जायजा लेने का भी मुतालबा कर दिया।
वजीर खारजा इसहाक डार की ब्रसल्स में अहम मुलाकात, चीनी नायब वजीर आजम से मुलाकात के दौरान सी पैक फेज टू पर गुफ्तगू। चीन ने पाकिस्तान की माली पोजीशन मुस्तहकम करने में मदद की यकीन दहानी करा थी। मुतहदा अरब अमारात के वजीर तवानाई से मुलाकात में तजारत और मुशत के फरोग के उमूर पर इत्तेफाक। अपने वीडियो पैगाम में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में जोहरी तवानाई के 3,500 मेगावाट से जायद के मंसूबे इंस्टॉल हो चुके हैं। चीन की मदद से चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। वजीर अला सिंध का वफाकी हुकूमत के इस साल मंसूबों की तकमील और कोऑर्डिनेशन के हवाले से अहम इजलास। विंड पावर से 1,875 मेगावाट बिजली पैदा करने के 26 मंसूबों पर बातचीत। 1150 मेगावाट के 19 सोलर प्रोजेक्ट्स पर भी गुफ्तगू। मंसूबों पर 50% फंड सिंध हुकूमत फ्राहम करेगी। इजलास में थरकोल रेलवे लाइन के जरिए छोट तक मिलाने के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल। वजीर आलम मुराद अली शाह से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। US मिशन डायरेक्टर ने सैलाब से मुतासर स्कूलों की इमारतें बहाल करने के लिए भरपूर तआवुन की यकीन दहानी करा दी।